हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट द एज ऑफ चौसर। द एज ऑफ चौसर इज़ बिटवीन 1300 टू 1400 एडी। ये हमारा चैप्टर टू है। एज ऑफ चौसर में 100 ईयर वॉर हुआ था, 1337 टू 1453 तक। ये हुआ था इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस में। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लैंड होल्डिंग दैट फ्रांस हैड ऑन इंग्लैंड। ये वॉर क्यों हुआ था कि फ्रांस ने जो इंग्लैंड का लैंड कब्जे में कर रखा था उसके लिए वॉर हुआ था। 3 इंपॉर्टेंट बैटल्स हुए थे इंग्लैंड में उस टाइम पे, जिसमें इंग्लैंड ने जीता था। इंग्लैंड वन द बैटल्स। लॉन्ग बो मैन मेथड था, फर्स्ट है लॉन्ग बो मैन मेथड हुए यूज्ड बाय इंग्लैंड। उन्होंने क्या यूज़ किया था, कौन सा मेथड यूज़ किया था जीतने के लिए, लॉन्ग बो मैन मेथड। ठीक है, क्रॉस बो मेथड यूज्ड बाय फ्रांस। ये क्वेश्चन आता है कि विच मेथड इज़ यूज्ड बाय इंग्लैंड इन 100 ईयर वॉर। तो आपको लिखना है लॉन्ग बो मेथड एंड द विच मेथड इज यूज बाई फ्रांस इन द एज ऑफ चौसर। तो आंसर इज द क्रॉस बो मेथड। द नेक्स्ट इज 3 इंपॉर्टेंट बैटल्स हुए थे 100 ईयर्स वॉर में। द बैटल ऑफ क्रेसी, द बैटल ऑफ क्रिसी 1346 एंड द बैटल ऑफ पोइटर्स 1356 एंड द बैटल ऑफ एग्निकॉर्ड 1415। ये हमें याद करने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कब कौन सा बैटल हुआ था। द बैटल ऑफ एग्निकॉर्ड इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट 1415। ये 100 ईयर्स वॉर में 3 बैटल्स हुए थे। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट। द नेक्स्ट इज दिस वॉर हेल्प इन क्रिएटिंग एन इंग्लिश आइडेंटिटी फॉर इंग्लैंड एंड लैंग्वेज इंग्लिश। जो ये बैटल हुआ था इसकी वजह से ही इंग्लैंड ने अपनी जो मान्यता थी वो वापस प्राप्त की, अपनी जो मान्यता थी वापस प्राप्त की, और वहाँ की जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश फिर से उन्होंने एस्टेब्लिश करी। ब्लैक डेथ उसके बाद में जो एज ऑफ चौसर में हुई थी, ब्लैक डेथ 1347 टू 1353। ये 5 ईयर्स तक रहा था। प्लेग स्प्रेड बाय रैट। ठीक है, जिसको भी प्लेग हुआ वो विद इन 5 डेज में मर जाता था। ड्यू टू दिस यूरोप की 1/3 पॉपुलेशन 5 साल में चली गई थी। ठीक है, दिस इज सो सैड। 1/3 पॉपुलेशन जो चली गई थी, इसकी वजह से पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग क्या भगवान है, क्या हीलिंग पावर है। आल्सो द प्लेग लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल साइंसेस। प्लेग के वजह से मेडिकल साइंसेस की डिस्कवरी होने लगी कि मेडिकल साइंस ने तरक्की करी, डेवलपमेंट हुआ मेडिकल साइंस पे। ठीक है, तो हमें ये दोनों याद रखने हैं, 100 ईयर्स वॉर और ब्लैक डेथ, और इनकी डेट्स भी याद रखनी है। और द नेक्स्ट इज पीसेंट रिवॉल्ट। पीसेंट रिवॉल्ट, ओके, द पीसेंट रिवॉल्ट लेड बाय वॉट टेलर एंड जॉन बॉल। पीसेंट रिवॉल्ट इज लेड बाय वॉट टेलर एंड जॉन बॉल। पीसेंट कैप्चर्स द टावर ऑफ लंदन। जो पीसेंट्स थे, पीसेंट्स जो फार्मर्स थे, उन्होंने कैप्चर कर लिया था कौन सा, द टावर ऑफ लंदन, जो वहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट टावर था वो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। इंग्लिश बिकेम द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट इन 1362। द नेक्स्ट पॉइंट इज द इंग्लिश बिकेम द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट इन 1362, द लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट इन 1363 एंड द लैंग्वेज इन विच स्कूल टीचिंग हैपेंड इन 1386। इंग्लिश बिकेम द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, वहाँ के कोर्ट की लैंग्वेज बनी थी इंग्लिश 1362 में, और पार्लियामेंट में बोली जाने वाली लैंग्वेज बनी थी 1363 में, एंड द लैंग्वेज इन विच स्कूल टीचिंग हैपेंड, स्कूल में कब पढ़ाई जाने लगी इंग्लिश, 1386। ठीक है, अब हम इस एज के सबसे इम्पॉर्टेंट जो राइटर है उसके बारे में बात करेंगे, जॉफरी चौसर। जॉफरी चौसर पार्ट वन हम बात करेंगे। इन्होंने जो लिखा है, इन्हें हम फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं। फर्स्ट पोएट टू बी ब्यूरेड इन वेस्टमिनिस्टर अबे। ये पहले पोएट थे जिनको वहाँ दफनाया गया था, वेस्टमिनिस्टर अबे में। ठीक है, और ये किसके टाइम पे थे वहाँ के पोएट, रिचर्ड टू, एडवर्ड थ्री जो फ्रेंच के थे, और हेनरी फोर। फ्रेंच इन्फ्लुएंस इनके ऊपर था 27 ईयर्स तक, वो था 1343 टू 1370। फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन पे रहा इनकी राइटिंग्स में, इनकी पोइट्री में 1343 टू 1370। ही वर्क एज ए पब्लिक सर्वेंट, ही जॉफरी चौसर वर्क एज ए पब्लिक सर्वेंट
in Court Elizabeth, in Court Elizabeth. Okay, went to fight in the Hundred Years' War in France, where he was captured for ransom. वो वॉर में भी गए थे, जो हंड्रेड ईयर का वॉर हुआ था वहाँ पे वो पकड़े गए थे. ड्यू टू हिज रॉयल कनेक्शन एडवर्ड थ्री हेल्प हिम पे हिज रैमसन एंड बेल्ड हिम फ्रॉम द जेल. और उनके बड़े बड़े रॉयल के साथ कनेक्शन होने की वजह से वो वहाँ से छूट गए थे. और उसके बाद में उन्होंने अपना इटालियन पीरियड उनका स्टार्ट होता है. ये उनका फ्रेंच इन्फ्लुएंस था जिसमें वो पकड़े गए थे. एडवर्ड थ्री ने उनको वहाँ से छुड़ाया था. ठीक है, अब इनकी बात करते हैं हम इटालियन पीरियड की. इटालियन पीरियड कब से कब शुरू है? 1370 to 1385. ये 15 ईयर्स तक चला इटालियन पीरियड. जो उनकी पोइट्री में इन्फ्लुएंस हुए थे वो इटालियन से. ठीक है, ही वर्कड एज ए कंट्रोलर ऑफ कस्टम्स एंड आल्सो सेंट टू द डिप्लोमेटिक मिशंस टू फ्रांस स्पेन एंड इटली. उन्हें डिप्लोमेटिक मिशंस पे भेजा जाता था फ्रांस स्पेन एंड इटली में. ही आल्सो मैरिड फिलिपा रॉट, डॉटर ऑफ स्पेन रॉट. इट हेल्प चौसर टू गेन हिज पोजिशन इन इंग्लिश कोर्ट. उन्होंने शादी करी थी फिलिपा रॉट से, जो डॉटर थी स्पिन रॉट की, और उन्होंने हेल्प करी थी उनकी पोजिशन फिर से गेन करने में. ओके, फिर इंग्लिश पीरियड आया उनकी लाइफ में. वो कब से कब तक? 1385 to 1400. ये 15 साल तक ये इन्फ्लुएंस रहा उनकी पोइट्री में. ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट लैंग्वेज यूज़ करते थे वो. और इन दिस ही सर्वड एज जस्टिस ऑफ पीस एंड मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट. वो जस्टिस ऑफ पीस एंड मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट बने इंग्लिश पीरियड में. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु प्रिफर इंग्लिश लैंग्वेज ओवर लैटिन एंड फ्रेंच. वो पहले पर्सन थे जो उन्होंने प्रिफर किया कि नहीं, इंग्लिश हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए रैदर दैन लैटिन और फ्रेंच. इट वॉज ए पैशन एट दैट टाइम. पीपुल यूज टू राइट लैटिन एंड फ्रेंच लैंग्वेज. उस टाइम पे लैटिन एंड फ्रेंच लैंग्वेज लिखने का एक फैशन था. इट वॉज चौसर हु मेड लंडन इंग्लिश विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज ईस्ट मिडलैंड डायलैक्ट लैंग्वेज. इट वॉज चौसर, चौसर ही थे जिन्होंने ईस्ट मिडलैंड डायलैक्ट लैंग्वेज शुरू की थी. मॉडर्न टुडे और इंग्लिश इज मर्ज्ड फ्रॉम ईस्ट मिडलैंड डायलैक्ट. जो आज हम इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं वो मर्ज्ड है, मिली हुई है किससे? ईस्ट मिडलैंड डायलैक्ट से. ही इंट्रोड्यूस राइम रॉयल. उन्होंने राइम रॉयल इंट्रोड्यूस किया था. ही इज़ द वन हु गेव राइम एंड रिदम टू पोइट्री इन इंग्लिश. उन्होंने ही राइम एंड रिदम पोइट्री में दिए थे. ही वॉज मोर ऑफ ए सैटिरिस्ट. वो सैटिरिस्ट भी थे, लवर ऑफ मैनकाइंड, ऑब्जर्वर ऑफ मैनकाइंड. ही वॉज द लवर ऑफ मैनकाइंड, ऑब्जर्वर ऑफ मैनकाइंड. ओके, आगे की हम थॉमस हॉकलेव कल की वीडियो में करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल. मैं आपका पूरा सिलेबस इंग्लिश लिटरेचर का करवाऊँगी. हम UGC नेट के दिसंबर आने से पहले पहले अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे. विथ हैंडमेड नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी. इफ़ यू वॉन्ट PDF आई विल प्रोवाइड दैट ऑल्सो. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे.